अगर आपको मंत्री बनने का मौका मिलता तो क्या करते? हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है, फनी फ्रेंड से और वादियाँ कर दिया है। तो आज मैं जा रहा हूँ अचार लेने। देखते हैं अचार वाली गाड़ी आ रखी है, वो कभी कभी आती है, मतलब महीने के अंदर आती है। और T2 भी भाग रखे हैं, देखते चलो। T2 ऐसा समझता है कि वो मार्केट से आएगा, मतलब बाहर कहीं जाता है तो वो समझता है कि मुझे मारेंगे, इसलिए वो डर के मारे वहीं छुप गया। गाइस, प्राची से डरता है T2, इसलिए प्राची चले गई इसको गाने के लिए। गाइस, फाइनली T2 आ गया है। वो डर रहा था, इसलिए वहीं छुप गया था टैक्सी के अंदर 5-10 मिनट। उसके बाद प्राची भी आई थी, प्राची भी घूम घूम कर रहा था। लास्ट में खुद ना खुद आ गया जब टैक्सी गई। अब पता क्या, अब इस कमरे में देखो, अब इस कमरे में चले गए अंदर। अब मैं जाता हूँ अचार लेने के लिए। तो यहाँ पे है गाड़ी अचार वाली, इनको देखो। अंकल अचार चाहिए था। कौन सा आ रहा है ये सब देखो, ये मतलब कौन कौन से वो है, मतलब आंवला, हरी मिर्च, लाल मिर्च, कटहल, करेला, लहसुन, भांस, शिमला, सहजन, कचना। आप बनाते कहाँ? अदरक लहसुन खटीमा ग्राम उद्योग धामी जी के वहाँ खटीमा। अच्छा, मतलब आने में धामी जी के गांव में। अंकल आम का चार दे दो, आधा किलो में है, आधा में भी है। गाइस आप देख सकते हो ये लीजिए। अंकल आप जूस वगैरह सब रखते होंगे ना? हाँ जी हाँ, सब जूस, बुरांस का, बेल का, माल्टा, मैंगो, लीची, आंवला। ठीक है अंकल। तो हाय आदी, क्या कर रहा है? वाह गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ अपनी मम्मी के घर। तो मम्मी मतलब जब प्राची नहीं आ रखी, ये देखो यहाँ है वो तीन। भाई आओ बाहर, गाइस मैं छत में जाता हूँ तब तक, जब तक प्राची वो नहीं आते। गाइस मैं अभी इनके छत में हूँ, वो बोल रहे कि मैं मेकअप करके आऊँगी वीडियो में। देखो मेरी मम्मी उनकी कितना तो है। तो मुर्गी फार्म भी आपको दिखाएंगे, सब चीज़ दिखाएंगे। और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है थलीसन का, मतलब आधे थलीसन का, आधा तो पीछे छूट गया, आधा उधर छूट गया। डार्ली पानी पी रहा है। गाइस आदि आपको दिखाएगा चूजे। गाइस देखो इन छोटे बच्चे ने ताला खोल दिया, तुझे आ जाता आदि ताला खोलना। गाइस कितने अच्छे चूजे हैं, और देखो मुर्गी, कितने चूजे हैं आदि? ये 8 है। 8 चूजे। मुर्गी एक दिन में एवरेज कितने अंडे दे देती है? एक दिन में दे देती होगी 5-6। 5-6 खाते हो? मैं खाती होंगे ना तुम? हाँ, 2 अंडे पापा खाते हैं, 2-3। अच्छा, ये है नित्तू। हाय गाइस, स्कूल का नाम है शैलेजा। बेस्टी आगे के बेस्टी बेस्टी एनिमी है कि बेस्टी फ्रेंड है? मेरी बेस्टी है जलील वाली। गाइस मैं आपको अभी सालू भी दिखाऊंगा, उससे पहले आपको मुर्गियां दिखा देता हूं। सालू और मुर्गी आ गई है गाइस। ये है गाइस मुर्गी फार्म, यहां उनके लिए पानी है। और ये है मुर्गियां, देखो बहुत अच्छा बना रखा है, मतलब अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं मुर्गियां। ये है सालू। सालू भी कैसा लग रहा है? गाइस उस बच्चे को देखो, वो गिर रहा है। देखो गाइस बच्चा, डर नहीं लग रही कि सर बच्चा यार। देखो अगर वो यहाँ से गिरेगा ना, वो सीधा यहाँ गिरेगा। उसके तो मम्मी डैडी को बोलो ना, चलिए उन्हें पकड़ो। उसके मम्मी डैडी मम्मी ना। गाइस उसके मम्मी डैडी मीनाक्षी होटल के मालिक मालकिन। गाइस उसकी मम्मी को परवाह तो आ गया, उसकी मम्मी देखो भाग रहे अंदर, सब शर्माते पता नहीं कि वीडियो में आने से। नहीं तो तू कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8th में। अच्छा, और अच्छी लगती थी पढ़ाई करना? हाँ ठीक ही लगता है। देखो पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो उसे प्रेरणा लो। इसको देखो लपाड़ी, लौंडा लपाड़ी है। लॉकडाउन में आपको क्या क्या दिक्कतें आई? लॉकडाउन में बस यही दिक्कत आई कि बाजार बंद हो गया था, जिससे हम खाना नहीं खा पाए।
गाइस इंटर कॉलेज में सालू पढ़ती है, तो सालू इंटर कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी है। और तू मतलब कितना टाइम रही इंटर कॉलेज? एक साल हो गया होगा? एक साल, एक हाँ। दो साल मतलब जब गई होगी, मतलब अटेंड किया होगा तूने जब? तो अटेंड मैंने एक ही साल करा। गाइस प्राची एक गेम खेलेंगे, उसका नाम क्या है गेम का बोल? मेरे को नहीं पता, 1 2 3 को है। गाइस आज आपको हम एक नया गेम सिखाएंगे 1 2 3 को। इससे वेदर चेक करती है, वेदर चेक करने वाली मशीन, विंड स्पीड वाला सिस्टम है सब। आज देखो ये सोलर पैनल ये देख सकते हो, मतलब बहुत कुछ है यहाँ। यहाँ देखो एंटीना भी है, ये तो सेंसर है, इससे वेदर चेक होता होगा। देखो गजनी भैया को, कल आपने उस वीडियो में देखा होगा, आज आप इस वीडियो में देखोगे। हेलो कर दो भैया। गाइस लॉकडाउन में सबको हंसना सीखना है, तो भैया आपको सिखाएंगे कैसे हंसना है। हंसो भैया। भैया आप कुछ हमारे थली सेन के बारे में कुछ कहना चाहोगे? थली सेन में हो रहा है पक्की रोड हो रही है। हाँ और उसमें दिशा रहा सिमट। हाँ सिमट उसमें टहल दिशा रही। हाँ ऊपर से तो गाइस दिशा आने के लिए बिछाना है ना। हाँ दिशा है। हाँ तो गाइस और बोलो भैया, और कुछ बोलना चाहोगे आप नेताओं के बारे में? हमारे फंदा रहे मंत्री हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। अगर आपको मंत्री बनने का मौका मिलता तो क्या करते? बनते काम करते। कोरोना बहुत बढ़ गया दिल्ली में, अब पहाड़ में काम कम है, अब कुछ पता नहीं है ना, बढ़ सकता है। और मैं काम धाम सब ठीक चल रहा है, लेट में बैठ गए तो अब घर चले जाएंगे। और नहीं होना चाहिए ना लॉकडाउन? अब नहीं होना। आपको कैसा लग रहा है जब लॉकडाउन लगा तो आपको अकेला अकेला सा लगने लग गया? हाँ पहले बहुत मजा आता होगा ना जब होटल खुलते था। हाँ। अभी बहुत मजा आ रहा होगा अभी, क्योंकि सब खुल गया ना। हाँ सब खुल गया ना, धीरे धीरे सब खुल गए ना, पहाड़ों खुल गए ना। हाँ बहुत अच्छा बोलते हो आप यार, आपको राजनीति में होना चाहिए था, सच नेता बन जाओ यार। अब क्यों नहीं बन रहे नेता? बन जाएंगे कुछ दिनों बाद। हाँ कुछ दिनों बाद। किसके लिए उठोगे आप चुनाव, किसका लड़ोगे? मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री का? हाँ तो भैया बहुत अच्छी, मैं संभाल देंगे पूरे राज्य का, है ना। अच्छा क्या करना है? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। सालू तुझे क्या करना है? लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।